बिहार वासियों के लिए अब बड़ी खबर है। राज्य सरकार उन्हें बड़ी सौगात देने जा रही है। जिन्हें ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था और वो अपना यात्रा पूरा नहीं कर पाते थे, उनके लिए राज्य सरकार नई सौगात लेकर आई है। दरअसल प्रदेश के लोगों को यूपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड आने जाने के लिए अब ट्रेन के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। इन राज्यों में आने जाने के लिए सरकार ने 350 रूट का चयन किया है, जहां पर 1000 बसें चलेंगी। यह सुविधा जुलाई से शुरू होने वाली है। वहीं बसें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, गया, सीतामढ़ी, औरंगाबाद सहित अन्य जिलों से खुलेंगी। 1000 बसों में 200 लग्जरी होंगी। नई सुविधा से प्रदेश के करीब 1,00,000 से अधिक लोगों को सीधा फायदा होगा। जरूरत के अनुसार बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बिहार से बस खुलने के बाद 1-2 राज्यों से गुजरने के दौरान आने वाले जिलों को मार्ग में जोड़ा जाएगा। जो छूट गए हैं उसको भी सर्वे करके जोड़ा जाएगा। सभी रूट पर परिचालन के लिए परमिट प्रक्रिया चल रही है। वहीं बता दें कि दिल्ली के लिए भी 10 मार्गों पर 5 बसें चलाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से दिल्ली आने जाने के लिए रूटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार और राज्य सरकार के बीच मंथन चल रहा है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर से दिल्ली आने जाने के लिए पर्याप्त लग्जरी बसों का परिचालन किया जाएगा। करीब 10 मार्गों पर बस परिचालन किया जा सकता है। इन मार्गों पर करीब 5 लग्जरी बसों का परिचालन किया जाएगा। वहीं बता दें कि बाद में जरूरत के हिसाब से बसों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। बता दें कि झारखंड के रांची, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, रामगढ़, बोकारो समेत 1 दर्जन जिले हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो आगरा, इलाहाबाद, बलिया, देवरिया, लखनऊ, वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर समेत 15 जिले जुड़ेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कोलकाता, दार्जिलिंग, हावड़ा, हुगली, मालदा, बांकुड़ा, वीरभूम, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, उड़ीसा में जांजगीर, चांपा, बलरामपुर, बीजापुर समेत 1 दर्जन जिले जुड़ेंगे। इसके अलावा 1200 बसों का परिचालन किया जाएगा। बता दें कि पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से परिवहन निगम के द्वारा 1200 बसों का परिचालन किया जा रहा है। सभी बसें पीपीपी मोड पर चल रही हैं। इन बसों का किराया परिवहन विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है। सफर करने वाले यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की झंझट नहीं है। करीब 1000 और पीपीपी मोड पर बस बढ़ाने की कवायद की जा रही है। बढ़ने के बाद निगम के पास करीब 2200 बसें हो जाएंगी। बता दें कि लोगों को पर्याप्त सुविधा भी मिलेगी। बिहार के लोगों को देश के 5 राज्यों में आने जाने के लिए पर्याप्त बस परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके लिए झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल मिलाकर 350 रूट पर बस परिचालन के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन समझौता हुआ है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।